हेलो दोस्तों, मैं ओम प्रकाश शर्मा, अपने चैनल ओम ज्ञान एक्सप्रेस में आपका फिर से स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम लेकर आए हैं 68,000 भर्ती पर जो आरक्षण का असर पड़ने वाला है उसके विषय में हम लेकर आए हैं। दोस्तों, आप खुद जानिए कि इस भर्ती पर आरक्षण का कितना असर पड़ने वाला है। इसको सभी सामान्य वर्ग के अभ्यर्थी जानते हैं कितना पड़ने वाला है, क्योंकि वो समझ रहे हैं कि कोई अगर शिक्षा मित्र साथी है, अगर वह 49 नंबर पाता है दोस्तों, तो उसको 25 अंक बोनस के रूप में मिलेगा। और 25 अंक जब बोनस के रूप में मिलेगा तो निश्चित रूप से वो सामान्य में फाइट कर जाएगा। जैसे देखिए दोस्तों, 49 प्लस 25 इक्वल टू 74, तो 74 प्लस मिनिमम उसके रहेंगे। और आप दोस्तों अपने आस पड़ोस में आपके जो मित्र होंगे साथी, उनसे बात करिए तो आपको पता चलेगा 75 प्लस के ऊपर कितने अभ्यर्थी हैं। तो दोस्तों, इसका मतलब 75 के ऊपर बहुत कम अभ्यर्थी हैं, इसलिए जितने भी शिक्षा मित्र क्वालिफाई मात्र होंगे वो जनरल की सीट लेंगे। अब दोस्तों, अगर ये जनरल की सीट ले लेते हैं तो मान के चलिए जनरल वाले रुष्ट होंगे, उनका नहीं हो पाएगा और सीट खाली चली जाएगी। इसी प्रकार जो हमारे एससी एसटी ओबीसी साथी हैं, वो भी अगर 75 प्लस नंबर ला रहे हैं तो जनरल में जा रहे हैं ना, जनरल में अगर जा रहे हैं तो जनरल के साथी निश्चित रूप से बाहर होंगे। दोस्तों, अगर जनरल के साथी बाहर हो रहे हैं और सीट खाली चली जा रही है तो कोई फायदा नहीं है, ना आपका है, ना जनरल का है, ना ओबीसी का है, सिर्फ नुकसान है दोस्तों। क्योंकि जो नहीं हो पाएंगे उनके पास ऐसे ऐसे मैटर हैं कि वो कोर्ट में जाएंगे, निश्चित रूप से भर्ती फंस जाएंगे। कोई कितना भी कहे कि नहीं है मैटर, हम बता रहे हैं दोस्तों है मैटर, अभी आगे हम बता रहे हैं आपको। और दोस्तों, हम आपको बता दें, अगर आप भी जानते हैं कि जितनी भी सीटें हैं उतने अभ्यर्थी, क्योंकि इतना सर्वे हुआ है यूट्यूब का, हमने भी एक वीडियो दिया है कट ऑफ के संबंध में, वो आप देख लीजिए कि जितने अभ्यर्थी हैं दोस्तों उतने लोग क्वालिफाई नहीं हो पाएंगे। क्योंकि आप टीईटी इनवैलिड का मैटर देख रहे हैं, उसमें फर्जीवाड़े, मतलब जैसे मान लीजिए किसी का 88 है टीईटी में, क्वालिफाई नहीं थे, वो अपना बढ़ा के भर दिए थे, सोचे थे कि रिजवान अंसारी केस कर रहे हैं और हमारा भी नंबर बढ़ जाएगा। अदर राज्य वाले जो दोस्तों हैं उनके पास डोमिसाइल नहीं है, कुछ लोग ऐसे हैं ना, वो भी फर्जी हो जाएंगे दोस्तों। 12,460 जो दिए थे परीक्षा, उसमें भी से कुछ लोग छट जाएंगे। इसलिए जितना भर्ती है 68,500 है, 68,500 भी पूरे नहीं हो पाएंगे, मेरी गारंटी है दोस्तों। तो इसलिए हम यही सबसे आग्रह करेंगे, सभी हमारे जो साथी हैं ये अपनी बात रखें सरकार के पास कि इतने इतने लोग हैं, इतने बाहर हो जा रहे हैं तो सर और हम लोग क्या करें, भर्ती खाली चली जाएगी तो उससे नुकसान होगा दोस्तों। अगर भर्ती खाली चली जा रही है तो जनरल वाले निश्चित रूप से कोर्ट जाएंगे, भाई आप कितनी बार आरक्षण देंगे। हम अब आरक्षण के मुद्दे पर आते हैं, कितनी बार आरक्षण हो जा रहा है। आप भी जानते हैं संविधान में लिखा जा चुका है 50% ज़्यादा आरक्षण नहीं होना चाहिए। तो इस हिसाब से अगर हम देखें दोस्तों कि आरक्षण इस भर्ती में कितनी बार हो रहा है, कैसे कोट जाएगी भर्ती, आप खुद जो सोचिए दोस्तों। बीटीसी में आप एडमिशन लिए तो वहाँ पर आरक्षण दिया गया, पहली बार आरक्षण हो गया। टीटी आप क्वालिफाई किए, 82 और 90 अंक निर्धारित किया गया, दूसरी बार आरक्षण आपने कर दिया। तीसरी बार शिक्षक भर्ती परीक्षा में 30% और 33% करके आप आरक्षण की बात कर दिए, तीन बार आरक्षण हो गया। आगे जब नियुक्ति देंगे दोस्तों हमें, आपको जो भी है इस भर्ती में जो नियुक्ति पाएंगे हमारे साथी, इसमें जो है आरक्षण दिया जाएगा, स्वाभाविक बात है दोस्तों, सब जनरल में फाइट करेंगे, आरक्षण पे आरक्षण होगा। तो इस मैटर पर भर्ती कोर्ट पहुंच जाएगी, क्योंकि अगर ऐसे आरक्षण दिया जाएगा तो सामान्य वर्ग के दोस्तों ज़्यादा से ज़्यादा 8-10 हज़ार अभ्यर्थी होंगे ही, तो जो खाली सीट रहेगी और जो रहेंगे वो जाएंगे कोर्ट, भाई निश्चित बात है। आप कितनी बार आरक्षण दे रहे हैं, आप जान रहे हैं भर्ती में 4 बार आरक्षण हो जा रहा है, 13 आरक्षण पे अगली सरकार मुलायम सिंह की सरकार थी, 13 आरक्षण पे यूपीएसआई की UP SSSC की वैकेंसी कोर्ट गई थी, 13 आरक्षण पे बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ था, भर्ती बहुत दिन तक कोर्ट में थी और सरकार को इसके खिलाफ जो है याचिका दायर की थी, उसके बावजूद भी नहीं सफल हुई थी। तो इसलिए यहाँ पर तो 4 बार आरक्षण हो रहा है भाई, किस हिसाब से। एक शिक्षा मित्र साथी या एक BTC साथी, दोनों साथ साथ पढ़ रहे हैं, अगर वो 90 नंबर
टीटी में लाख क्वालिफाई किया है, वो 82 नंबर लाख लिया है किन्हीं कारणों से। मान लीजिए उसकी तबीयत खराब हो गई, घर पे माता पिता की स्थिति नहीं ठीक थी, दोनों अगर 70-70 अंक पाते हैं, ओबीसी का 70 अंक पा रहा है, साथ ही सामान्य का 70 अंक पा रहा है, तो दोनों में से सामान्य का नहीं होगा, ओबीसी का हो जाएगा। क्यों भाई नहीं हो रहा है? वो बेचारा एक बार आरक्षण दे चुके हैं, आप कर कितना परिश्रम करके 90 नंबर लाया है, आप इधर फिर आरक्षण दे दे रहे हो, बाहर हो जा रहा है, कितनी प्रक्रिया से उसे गुजरना पड़ेगा एक भर्ती के लिए। तो दोस्तों इस पे जो है कोर्ट भर्ती पहुंचना तय है। और दोस्तों हम आपको बता दें कि सुप्रीम कोर्ट और हमारे संविधान में 50% से अधिक आरक्षण की व्यवस्था नहीं की गई है। दो ऐसे राज्य हैं जहां पर अलग से कानून बन के वहां पर जो है 50% कुछ जातियां उसमें सम्मिलित करके 50% से ज़्यादा आरक्षण है, जैसे केरल हो गया, एक राज्य और है दोस्तों गुजरात है, कौन सा है गुजरात में, तो सर अभी केस हाई कोर्ट का था डिसीजन कि अपने ही वर्ग में रहेंगे, अगर सामान्य है सामान्य में रहेंगे, ओबीसी है तो ओबीसी में रहेंगे, अभी अपने यहाँ तो नहीं लागू हुआ है, जबकि सुप्रीम कोर्ट का ऐसा कुछ डिसीजन आ चुका है कि अगर आप एक बार आरक्षण ले ले रहे हैं दोबारा आरक्षण नहीं पाएंगे, चाहे उम्र सीमा में ले लीजिए चाहे वैकेंसी में ले लीजिए, यहाँ पर लेकिन लागू नहीं हो रहा है। इंदिरा साहनी के केस में दोस्तों, इंदिरा साहनी वर्सेस भारत संघ का केस था, इसमें क्रीमी लेयर की बात कर दी गई कि क्रीमी लेयर को आरक्षण की श्रेणी में नहीं रखा जाएगा, लेकिन मिल रहा है आरक्षण भाई, क्यों नहीं मिल रहा है? आप कभी देखे कि किसी को आरक्षण नहीं मिला है? अब हमारी एक बात है जो आप लोग ध्यान से देखिएगा, बीटीसी दोस्तों हम कहेंगे, अभी कुछ साथी हमारे कहेंगे कि ये तो बीटीसी में अलग है, उसमें अलग है, अलग अलग प्रक्रिया है, नहीं दोस्तों, आप शिक्षक बनने जा रहे हैं, शिक्षक प्रक्रिया के अंतर्गत ही, क्योंकि बीटीसी आपका ट्रेनिंग कोर्स है, तो शिक्षक प्रक्रिया के अंतर्गत ही आप बीटीसी किए, आप टीटी क्वालिफाई किए, आप शिक्षक भर्ती प्रक्रिया क्वालिफाई किए, आप नियुक्ति लेने जा रहे हैं, तो कितनी बार आप आरक्षण देंगे भाई एक भर्ती में? इतना मैटर पर्याप्त है कोर्ट जाने के लिए दोस्तों। इसलिए हम सभी से आग्रह करेंगे, सभी लोग जो लोग क्वालिफाई हुए हैं, संपूर्ण समायोजन की मांग करें, अपनी बात रखें, और सबका निश्चित 100% सबका सिलेक्शन होगा दोस्तों। थैंक यू दोस्तों।